कैसे हैं आज हम आपको राइटिंग स्किल का एक नया क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन बताएं क्या, हम आपको ये कहना चाहते हैं ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आ रहा है नेक्स्ट एग्जाम में बोर्ड के। और अगर आपने इसको पूरा वीडियो देख लिया श्योर एंड सर्टेन बिना किसी परिश्रम के बिना किसी कंफ्यूजन के आप इसका पूरा का पूरा नंबर पा सकते हैं। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, इस एक क्वेश्चन होने के बाद आप 100 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है पहले देख लीजिए, इसको बोलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? इंटरव्यू क्वेश्चन। ये 10th के बोर्ड में भी है और 12th में भी है, 9th 11th में रहेगा ही रहेगा। तो अगले बोर्ड में जो आपका नजदीक में आपके पास में आ रहा है उसमें इसका प्रश्न का हम नंबर कैसे लें मार्क्स कैसे लें उसको आप आसानी देख सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन आता है उसमें लिखा जाता है इमेजिन दैट यू आर एन ऑर्गेनाइजर, यू हैव टू इंटरव्यू सम फेमस पर्सनालिटी। मतलब आप एक इंटरव्यूअर हैं, आपको किसी का इंटरव्यू लेना है, वो किसका हो सकता है? मान लो आपकी क्लास में कोई टॉप किया है उसका इंटरव्यू लेना है, या कोई फेमस पॉलिटिशियन बन गया है उसका लेना है, या कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया उसका लेना है, या कोई प्लेयर है खिलाड़ी है उसने वर्ल्ड कप जीता है या कोई कप जीता है या उसने मैच को जीता है उसका इंटरव्यू लेना है। सारी चीजों के इंटरव्यू लेने का तरीका सिर्फ एक है, आपको ये कुछ सेंटेंस देखकर समझने होंगे, इसको लिखकर आइए नंबर आपको पूरा मिलेगा। ध्यान रखना इंटरव्यू क्वेश्चन होने में आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछना है, 8 to 10। और अगर आपका पेपर क्वेश्चन पेपर 4 मार्क्स का है क्वेश्चन ये, तो 8 सेंटेंस लेने हैं, 5 का है तो 10 सेंटेंस लेने हैं, सिंपल ना। और एक जरा सावधानी है, सावधानी ये है आपको उस क्वेश्चन में कुछ वर्ड दिए जाएंगे जैसे चाइल्डहुड है नहीं, हार्ड वर्क है और फेमस है, इन सारे शब्दों को यदा कदा कहीं पर जहां आपको लगे या हम यूज कर सकते हैं उन शब्दों का यूज कर लेना, बड़ा सिंपल होता है। आप पहले फॉर्मेट देखिए, ये फॉर्मेट देखने के बाद में आपको हजारों इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते तैयार हो सकते हैं, और एग्जाम में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी आप किसी का भी इंटरव्यू आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन माध्यम से, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये फॉर्मेट दिया है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन का नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है, एक पर्सनालिटी का नहीं है, ये अनेकों अनेक लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए बनाया गया है। आप इस क्वेश्चन माध्यम से एग्जाम में मार्क्स भी ले सकते हैं और किसी का इंटरव्यू भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं, अब किसी का भी इंटरव्यू हो, आप यहां पर मैंने 8 क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप दिमाग बैठा लीजिए, इसको लिख के आइए, नंबर आपकी जेब में होगा। कैसे? पहला क्वेश्चन है या देखिए, और हाँ इस इंटरव्यू क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं, उसका आंसर नहीं लिखना है। कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं एक क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसका आंसर लिखेंगे, नहीं, आप किसी का भी इंटरव्यू ले रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन शो करना है, ठीक है। मान लो नमस्ते, अब यहां पर मैंने डैश दिया है, अब नमस्ते यहां पर सर लिख सकते हैं या मैडम लिख सकते हैं, कुछ भी जैसा आपको आपके चूंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में दिया जाएगा पेपर में किसका इंटरव्यू लेना है उसके आधार पर नमस्ते सर नमस्ते मैडम ऐसा। आगे कंग्रेचुलेशन ऑन, अब ऑन के बाद क्या करना है देखना, अगर मान लो कुछ हुआ है कुछ बना है ऑन बीइंग, ऑन बीइंग क्या, बीइंग अ फेमस लीडर, बीइंग टॉपर, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, बीइंग अ लीडर, और अगर कोई चीज और करना चाहते हैं कोई प्राप्त किया है ऑन अचीविंग, कोई जीता है ऑन विनिंग, तो विनिंग अचीविंग बीइंग, इन तीन में से कुछ आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस सिचुएशन के आधार पे। मैं मान लो यहां दूं नमस्ते सर कंग्रेचुलेशन ऑन विनिंग द गोल्ड मेडल, विनिंग द मेडल, विनिंग द मैच नहीं, बीइंग द हॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड स्टार, बीइंग द फेमस लीडर, बीइंग द फेमस सोशल वर्कर, कुछ कर, बीइंग विनिंग, बीइंग विनिंग, ठीक है। अच्छा आपका एक क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्वेश्चन मार्क नहीं है यहां पर, पहला हो गया नमस्ते सर कंग्रेचुलेशन ऑन बीइंग टॉपर इन योर स्कूल, ऑन विनिंग मेडल,
आर विनिंग द मैच। बस सिंपल एक क्वेश्चन। अभी दुनिया का कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा आप इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करके नंबर ले सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा। दूसरे में है वुड यू लाइक टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। क्या आप मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना चाहेंगे? सिंपल क्वेश्चन, किसी से पूछा जा सकता है। कभी भी इंटरव्यू आप देने जाएंगे आप किसी से पूछिए, वो चाहे उद्योगपति हो, चाहे टॉपर हो, चाहे प्लेयर हो, चाहे सोशलिस्ट सोशल वर्कर हो, चाहे लीडर हो, आप पूछते हैं क्या आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे, या मैं क्या आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं, मैं या सम क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे तीसरा। अब वो बोलेगा हाँ पूछ सकते हैं। कोई क्यों पूछेगा? अगर कोई सेलिब्रिटी है आप उससे पूछेंगे क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं, बोलेगा ऑफकोर्स। मान लो बोल दिया, लिखना नहीं है, तो आप बोलते हैं थैंक यू, धन्यवाद। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर, आपको कैसा महसूस हो रहा है आफ्टर, फिर वहीं पर आना, यहां पर आफ्टर बीइंग टॉपर, आफ्टर स्कोरिंग गुड मार्क्स, आफ्टर बीइंग विनर, आफ्टर विनिंग गोल्ड मेडल, आफ्टर विनिंग द मैच। यहां पर बीइंग जैसे यहां पर किया था, यहां आप कर सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड यू चूज टू बी, आपने इसको ही क्यों चुना, व्हाई डिड यू चूज टू बी अ लीडर, हॉलीवुड स्टार, इंडस्ट्रियलिस्ट, बराबर है, चूज टू बी, आप वहां पर एक पद यहां पर दे सकते हैं, आपका ये हो गया। नेक्स्ट 5, देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज इन दिस फील्ड इन दिस एरिया इन दिस वर्क, ना फिक्स है, देयर आर प्लेंटी ऑफ डिफिकल्टीज आर प्रॉब्लम्स इन दिस एरिया, व्हाट वुड यू से अबाउट इट, आपका क्या कहना है। ठीक है, यहां पर ढेर सारी समस्याएं हैं, लेकिन आपका क्या कहना है, वो आंसर देगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 6, आर देयर एनी प्लान्स टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, क्या इन प्रॉब्लम इन समस्याओं से छुटकारा पाने का कोई प्लान आपके दिमाग में है। 7, हाउ वुड यू डील विद दीज प्रॉब्लम्स, आप इन प्रॉब्लम्स को डील कैसे करेंगे, हो गया प्रॉब्लम लग दिया। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट में ये आप डालना, वुड यू लाइक टू से समथिंग टू मोटिवेट द यूथ ऑफ आवर नेशन हु आर इंटेंटेड टू ज्वाइन द गेम द क्रिकेट द लीडरशिप द इंडस्ट्री, ऐसा कुछ करके। आप क्या हमारे देश के उन यूथ को कुछ कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं? 8 क्वेश्चन आपका हो गया, लेकिन ध्यान रखना अगर आप 10 क्वेश्चन लिखते हैं तो ये जो क्वेश्चन 8वां है ना, ये हमेशा लास्ट में ही रखना, हमेशा लास्ट में रखना, ठीक है। और उसके बाद में अंतिम क्या करना, थैंक यू वेरी मच सर, नाइस टू मीट यू, ठीक। ये क्वेश्चन आप इस प्रकार करके आप पूरा नंबर ले सकते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन कैसा लगा, आपको आइडिया कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। और ये क्वेश्चन 10th to 12th पक्का आएगा, और उसका नंबर आप आसानी से लेकर के एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।